देखिए किस तरीके से यहाँ पर खिड़की के बाहर से काम हो रहा है लेकिन लोगों को अंदर नहीं जाने। अगर ये बुजुर्ग महिला इस धक्के से अगर गिरती है, अगर उसके हादसे में अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। देखिए किस तरीके से मजबूरन अपने खुद अपने जो राशन अपने हर के राशन के लिए अपने राशन कार्ड बचाने के लिए किस तरीके से बुजुर्ग महिला यहाँ पर जा रही है। अगर इस पर अगर कहीं पैर फिसलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए। राशन ऑफिसर तो अपनी सेफ्टी बराबर देख लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम भिंडी शहर के राशन कार्ड राशन ऑफिस के बाहर खड़े हैं। हम आपको यहां पर दिखाएंगे राशन ऑफिस की सच्चाई। पूरे भिंडी शहर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो कि पिछले लास्ट मंथ में दिवाली की वजह से आनंद अच्छा की किट राशन कुछ राशन दुकानों पर जाकर अपने फ़ोटो खिंचा दिए, कुछ राशन अधिक कार्ड और जो होल्डर है उनको दिए और अपने कुछ फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए कि हम दिवाली का गिफ्ट दे रहे। उसी की सच्चाई के लिए जैसे ही हम भिंडी शहर के राशन ऑफिस में पहुंचे तो हम यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट की जो सच्चाई है कि किस तरीके से लोगों को आज भी राशन ऑफिस में तकलीफ़ होती है, चाहे उनके नाम कटाने से हो चाहे उनके ऑनलाइन सिस्टम से हो, तो इसकी जो सच्चाई है हम आपको दिखाएंगे। ये आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि राशन ऑफिसर से मिलने के लिए एक बुज़ुर्ग वो उनसे मिलते हुए वो गिर गए, उनकी हाल उनके जो पैर में मार भी लग गई है और वो कितने दिन से आ रहे और कहाँ से आ रहे, कौन कौन कितने दूर से आ रहे, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा यहाँ की पब्लिक, भिवंडी शहर की जो पब्लिक है। कई लोग कालेर पूर्णा कशेल पूर्णा मानकोली वराल देवी कहाँ कहाँ से लोग आए, ये हम उनकी ही जुबानी सुनेंगे और भिवंडी की सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे। लोग सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि राशन ऑफिस का राशन का काम राशन कार्ड का काम कितना इजी हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये यहाँ की सच्चाई है हम आपको दिखाते हैं। अंदर ये आपको कैसे मार लगा? ये इधर खिड़की से जा रहा है तो मार लगा, नीचे गिर गया ये। अच्छा, इसके ऊपर चढ़ी तो मार लगा, हाँ, गिर गया। हाँ, तो वो लोग का तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ? किधर, वो एक महीने से घूमता है। कितने महीने से? एक महीने से घूमता है। आपका 6-7 बार हो गए। कहाँ से आते हो? वराल देवी मंदिर के पास से। वराल देवी मंदिर के पास 6-7 बार। किस काम के लिए आए? ये नाम कटवाने का है। अच्छा, नाम कटाने के लिए? हाँ, बार हो गया, एक महीने। हाँ, आपको कहाँ कहाँ लगी चोट? ये देखो इधर लग गया, इधर लग गया। जो पढ़ा है ना उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। अभी इनके अभी ये पब्लिक वो बेचारा बुड्ढा आदमी सीनियर सिटीजन गिर गया है, ये लोग को जवाब नहीं देते कि बंद क्यों रखे, उसका जवाब दो ना इनको कि भाई कोई टाइमिंग है हमारा बंद का या चालू का। सिस्टम बंद है, सिस्टम बंद है तो ऐसा पब्लिक को बोलो कि इतने बजे आओ, उनको खड़े क्यों रखो, उनको जवाब देने के लिए कोई है? उनको जवाब देने के लिए कोई है? रोज का सिस्टम है, एक दिन का सिस्टम नहीं है। एक दिन बंद किए, दो तीन दिन कहते हैं कि अभी आज तो बंद है, पब्लिक रोड पे बैठे रहे। तो आप कितनी बार आए हो? हमने 2-3 मरतबा आ चुका है, देख लो तीसरी बार है, फिर मेरा कार्ड कैंसिल हो गया। कहाँ से आए? मुमताज नगर से आया हूँ। मुमताज नगर से 2-3 बार? हाँ, भाड़ा लगा के आया भाई, 30 रुपए भाड़ा लगता आने जाने का। आप जहाँ कहोगे वहाँ मौजूद रहूंगा, ऐसा नहीं है आप जहाँ बुलाएंगे। लिखित में कंप्लेंट दी है यहाँ पे? नहीं, लिखित में नहीं दिया हूँ। कंप्लेंट आपने दी है? हाँ, ये पेपर देता हूँ, पेपर पे साइन कर देते हैं, उसके बाद ये मालूम पड़ता फिर कैंसिल हो गया। ऑफिसर है क्या ये? अंदर से काम चालू है इनका और इनको जवाब देने के लिए कोई नहीं, ऑफिसर बैठे मेरे को जवाब नहीं दे रहे। ऑफिसर है? हाँ, कौन है? ये सब ऑफिसर बैठे, कोई जवाब नहीं दे रहा यहाँ पे, इसका उत्तर नहीं दे रहे कोई। वो कौन है? वो पता नहीं, इनके कार्ड के काम चालू है। अच्छा ठीक है, मतलब जो अपने खास रहेंगे जो अपने, हाँ, जो उनका ही होगा, जो देंगे उनका काम होगा। अच्छा, हाँ, ये गरीब लोग का काम नहीं होगा। ये देखिए अभी हम इधर ये साइड वाले गेट पे आए हैं और ये यहाँ पर भी लॉक है। अगर इंसान को अगर यहाँ पे किसी को अपने काम से अंदर जाना होगा, अगर किसी ऑफिसर राशनिंग ऑफिसर से मिलना होगा तो किस तरीके से मिलेगा? ये देखिए कई घंटों से यहाँ पे लाइन लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वो वाले गेट का है, देखिए किस तरीके से लोगों से बात किया जा रहा है और यहाँ पे टी टाइम हुआ है राशन ऑफिस में।
अब इसकी जानकारी हम यहाँ के भिवंडी शहर के दोनों MLA को से बात करके कॉन्टेक्ट करके पूछेंगे अभी इसी वक्त। आशीर्वाद थे तुम्हें कुठून आले? काल्यर वरून। काय साठी आले? कार्डा साठी। अंगठे येत नाही। अंगठे येत नाही? हां। ते दुकानदार काय बोलतोय? रेशी इकडे जा बेमडीला। आता किती टाइम आले तुम्ही इथे? आता होईल अर्धा तास। अर्धा तास काय बोलले ते? ते सांग त्यांना 8 वाजता या। 8 वाजता? हां, मतावर आम्ही आहे बसायचा का? किती वेळ झाले फिरता तुम्ही ते सांगा। आता तुमच्या हे किती टाइम झाले? ना पहिलाच येलेले, पहिलाच येलेले। आता 8 तासच्या नंतर तुम्हाला बोलतोय। हां आम्ही सुरई वरून आलो। हा, किती लांब आहे? लई लांब आहे, मानकुली आवे ही नाशिक आवे। 10 किलोमीटर असेल? हा, जास्त जास्त। तुम्ही किती कधीपर्यंत येते? आम्ही आजच आले। मी पण आजच आले। किती वेळ झाले? माझी एकच वार झाली। अर्धा घंटा झाला। काय बोलतोय? 8 वाजता। आणि मी घरी सगळं काम का टाकून नाही तर आले 8 वाजता। 8 किती वाजायचं? कधी वाजायचं? एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।